हेलो मेरे प्यार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। और बात करें रसगुल्लों, ये जो टॉपिक है या तो 3 नंबर में पूछा जाता है या फिर 5 नंबर में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अच्छी और दूसरा निरक्षित, दोनों पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको इनके पहले की वीडियोस देखना है तो परेशान मत होइए, 12th फिजिक्स 2024, 12th केमिस्ट्री 2024 करके हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप पिछली वीडियोस को वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। तो चलिए आज बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देते हैं, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ठीक। चलिए, क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में हमें तीव्रता निकालना है, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, जो आपको थोड़ा लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि 5 नंबर की बात है और काफी ज्यादा पूछा जाता है रसगुल्लो, इसलिए इसको अच्छे से समझना है हमें। तो यहां से माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और जिसके बीच की दूरी या जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी जो लंबाई है बच्चों वो है 2L, ठीक है ना, क्योंकि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 2L, ठीक। और ये मान लेते हैं कि माना जो ये द्विध्रुव है वो प्लस क्यू आवेश यानी माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से बना है, ठीक, बात समझ में आई। हमने क्या बताया, क्या लिखना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2L है और माना ये जो द्विध्रुव है वो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से बना है। फिर यहां से लिखेंगे कि माना इसके मध्य बिंदु O से, माना इसके मध्य बिंदु O, अब जब मध्य बिंदु O मान लेंगे तो बच्चों टोटल दूरी L है, तो रसगुल्लो इधर जो बचा वो L हो जाएगा और इधर भी जो बचा वो भी L हो जाएगा, तभी तो 2L होगा। तो माना O से क्या है, R दूरी पर, ठीक, O से R दूरी पर इसके अक्ष में, मान लेते हैं ऐसे अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो इसके अक्ष में, R दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु क्या है रसगुल्लो, P है, ठीक, कितना R दूरी पर, तो R दूरी पर एक बिंदु P है और जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान ज्ञात करना है। तो इतना चीज आपको माना, जो माना है ना कि माना ये वो फलाना ढिमका ये कुछ करते हैं, तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, तो ये चीज आपको डेफिनेटली वहां पर लिखना होगा, ठीक। तो कि इतना समझ में आ गया, चलिए अब यहां से कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है, वो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है, ठीक। जैसे यहां पर हमने बता दिया, अब अगर हम कहेंगे कि माइनस क्यू से पी की दूरी क्या होगी, माइनस क्यू से पी की दूरी क्या होगी बच्चों, वो समझना है, ठीक। लिखेंगे कि माइनस क्यू से पी की दूरी, सॉरी पहले प्लस क्यू लिख देते हैं, है ना, यहां से प्लस क्यू से पी की दूरी, ये बताइएगा बच्चों दूरी कितना हो जाएगी, ठीक, टोटल दूरी आर है, इतनी दूरी एल है, तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा, आर माइनस एल होगा, है ना। नहीं समझ में आता, देखिए हम मान लेते हैं कि रसगुल्लो कोई यहां से यहां तक दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, और इतना इतना मतलब ये वाला भाग जो है इधर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो इधर कितना हो जाएगा, 7, कैसे पता चला, 10 में से हम 3 घटाएंगे, तो वही चीज है, टोटल रसगुल्लो कितना है, R है, इतना जो है L है, तो बाकी जो बचा है वो R माइनस L, यानी R में से L घटाओगे तभी तो पता चलेगा कितना है, तो यहां पर जो दूरी हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा R माइनस L। इसी तरह माइनस क्यू से हम P तक की दूरी निकालेंगे, तो लिखा यहां से लिखेंगे माइनस क्यू से P की दूरी, तो माइनस क्यू से जो P की दूरी निकालेंगे बच्चों वो कितना हो जाएगा, अब देखिए यहां से यहां तक R है और ये इतना अगर हम डैश डैश करके अगर हम बढ़ा देते हैं तो भाई इधर तो पहले ऑलरेडी ये यहां से इतना L है, तो R में इधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो अब की बार ये जो दूरी हो जाएगा आर प्लस L हो जाएगा, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक। यही आप क्या करिए, फिगर समझ लीजिए और ये समझ लीजिए, उसके बाद तो डेरिवेशन चुटकियों में हो जाएगा, ठीक।
चलिए अब इसका हम पोस्टमार्टम इजिली करेंगे। चलिए यहां से अब क्या निकालेंगे, दूरी निकाल लिया, अब इसके कारण यहां पर कितना तीव्रता निकलेगा और इसके कारण यहां पर कितना तीव्रता निकलेगा, जब हम ये निकाल लेंगे तो हम इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, तो इसके कारण जो पी पर तीव्रता निकालेंगे बच्चों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0, क्या होता है, Q/r2। तो भाई r का मान क्या है, r-l स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम लिखेंगे बच्चों कि माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, अब माइनस क्यों आवेश के कारण यहां पर तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0, क्या हो जाएगा, Q/r2। तो अब की बार इसके कारण दूरी कितना था, L, R प्लस L था, तो इसका स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इतना समझ में आ गया बच्चों। ठीक, चलिए अब आगे क्या करना है उसको देख लेते हैं। आगे हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। ठीक, हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता का मतलब निकालेंगे हम E बराबर E1 माइनस E2। ठीक, परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो E बराबर हो जाएगा वैल्यू रखिए 1/4πε0 Q/r-l का स्क्वायर हो गया, माइनस का E2 का मान रखेंगे 1/4πε0 और Q/r+l का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, पूरा का पूरा दिखे तो रहा है ना, लेकिन कॉमन क्या करेंगे, तो Q/4πε0 ये कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा E बराबर, ठीक, Q/4πε0, इतना कॉमन हो गया, बचा क्या 1/r-l का स्क्वायर, माइनस इधर बचा 1/r+l का स्क्वायर, ये इतना बच गया, बात समझ में आई। ठीक है ना, इतना ये क्या हो जाएगा, जब कॉमन करेंगे तो ये अंदर बचेगा। चलिए, ये गर्मी बहुत ज्यादा है, करेंगे क्या भाई, लेकिन कहते ना कि वक्त बहुत कम है भाई, एग्जाम फिर फरवरी में लगा दिया है तो भाई मेहनत तो हमें भी करना पड़ेगा, है ना भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। ठीक, आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हैं। चलिए, क्योंकि स्टूडियो बन रहा है, जब तक बनेगा नहीं भाई आराम नहीं है, यहीं पर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास मिस ना हो हमारी भी यही कोशिश रहती है। ठीक, चलिए इसमें क्या करेंगे अब बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अब यहां से हम E बराबर अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसको केवल तिर्यक गुणा कर इसको बाहर रखेंगे Q/4πε0। ठीक, और उसके बाद रसगुल्लों अंदर क्या बचा, इसको तिर्यक गुणा करेंगे, R+l का स्क्वायर हो गया, माइनस ये सूत्र का है और ये R-l का स्क्वायर हो गया। ठीक, और इधर क्या है, नीचे भाई देखिए, नीचे क्या लगा है, वर्गांतर का सूत्र, यानी एक कोष्टक में a-b, एक कोष्टक में a+b, तो a²-b² का फार्मूला होता है, तो इसको लिखेंगे हम r²-l², लेकिन भाई इसका मतलब दोनों का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर यहां पर भी लग जाएगा, ये हो गया। ठीक है ना, चलिए अब यहां से हो गया इसको भाई, ये r उसकी दूरी है, इसमें मत समझ लेना, ठीक है ना, ये r दूरी जो है उसमें की है। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे इसमें, तो E बराबर Q/4πε0, क्या करते हैं भाई, इसका हम a+b² a-b² है, तोड़ देते हैं अपन। ठीक, तो a² r² + b² होता है यानी l² + 2ab होता है यानी 2rl, है ना, यहां पे rl है, तो a² + b² + 2ab, माइनस फार्मूला लगाइए। अब देखिए a-b² बना है, तो a² यानी r²
प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस टू ए बी सॉरी माइनस टू ए बी क्योंकि ए माइनस बी का है माइनस टू ए बी यानी टू आर एल है। लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चों, इस माइनस का जब अंदर हम गुणा कराएंगे है ना तो जो चिन्ह होगा रसगुल्लों वो चेंज हो जाएगा, बस इतना आपको समझना है ठीक। और यहां से ये क्या हो जाएगा ठीक, अपान में इसको करेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा ठीक। कुछ चीजें कटने वाली हैं, हाँ अगर कट रही है काट दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ठीक। तो ये बन गया ई बराबर क्यू अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट, ये बच गया यहां पर फोर आर एल और अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि यदि एल इज मोर लेस देन आर ठीक, इसका मतलब यह है रसगुल्लों कि यदि जो L का मान है, मान लेते हैं कि जो L का मान है वो R के मान से बहुत 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 छोटा हो ठीक। मोर लेस देन का मतलब क्या है, R का मान जो है वो L की तुलना में बहुत बड़ा हो। कहने का अर्थ यह है कि जो L का मान है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा हो, देन ऐसी सिचुएशन में L बराबर जीरो हो जाएगा है ना, क्योंकि इसको हम सोच में एकदम मान लेंगे तो L का मान जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हो जाएगा E बराबर, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, वन अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट ठीक। इसको थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा लिखते हैं हम हाँ, यहां से 2 क्यों गुड़े 2l और इसके बाद r ठीक। और यहां पर हमने बताया ना l का मान जीरो रख देंगे तो r स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए इसको क्यों गुड़े 4rl को हमने ऐसा क्यों लिखा, देखिए दो दुना चार ही हो जाएगा भाई, r है l है क्यों है, यानी सब चीजें एक साथ हैं, कुछ हमने बदलाव नहीं किया। बदलाव यह किया है कि क्यों गुड़े 2l एक जगह पर रख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको याद होगा कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी ठीक है ना, दो आवेशों में कोई एक आवेश उनके बीच की दूरी जो 2l है इसके गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो पी कहते हैं है ना। तो इतने बराबर क्या होगा रसगुल्लों, पी हो जाता है ठीक। इसलिए इसको हम ऐसे कर दिए हैं ताकि सुविधा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में रसगुल्लों क्या हो जाएगा, ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट, ये यहां से क्या है दो है और इतने बराबर हमने बताया पी रख देंगे, ये इंटू आर है और नीचे इसके आर के घात चार हो जाएगा। तो भाई एक आर से एक आर काट दीजिए, यहां पे आर कितना तीन बचा है तीन घात, तो ये हो जाएगा ई बराबर ठीक। तो ये हो जाएगा ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट, कितना बचा 2p अपान, यहां से केवल r क्यूब बचा ठीक है ना बच्चों। यही क्या हो जाता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है वो व्यंजक हो जाता है, यानी यही आपका डेरिवेशन हो जाता है ठीक है ना। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा आपको हमने बताया ना ये क्या करना है, समझना है ठीक ना। इसको समझ गए और ये भाई दूरी आपको समझ में आ गया कैसे निकालना, देन ये तो एकदम चुटकियों में हो जाएगा ठीक। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस हो गया, बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ठीक है ना, क्योंकि ऐसे मजेदार टॉपिक रेगुलर आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, बिना आपसे एक रुपया लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है भाई कि जो भी सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको हम प्रोवाइड कराएं कंप्लीटली ठीक। तो लव यू, बाय बाय, टेक केयर।